हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली वोकैबुलरी के सेशन में। इस सेशन में हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समथिंग विच इज़ केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। कोई ऐसी चीज़ जो एक इवेंट के रिमाइंडर के तौर पर रखी जाए उसको हम क्या बोलेंगे। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर बी प्राइज, ऑप्शन नंबर सी सोवेनियर, या फिर ऑप्शन नंबर डी एंटीक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोवेनियर। सोवेनियर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हम किसी इवेंट के रिमाइंडर की तरह रखते हैं। ऑप्शन नंबर टू हो जाए, क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। एक ऐसा आर्ट जिससे हम न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं ए लिटरेचर, बी जर्नलिज्म, सी बायोग्राफी एंड डी आर्टिस्ट्री। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्नलिज्म। जर्नलिज्म इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री की, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स। एक ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे जो गैम्बल करता है या फिर जो बेटिंग करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंटर। पंटर एक ऐसा बंदा होता है जो गैम्बलिंग करता है या फिर बेटिंग करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। एक ऐसा बंदा जो डिक्शनरी कंपाइल करे उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर इज समवन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। बात करते हैं हम ज्योग्राफर की, तो ज्योग्राफर इज समवन हु स्टडीज ज्योग्राफी। जो अर्थ की ज्योग्राफी को स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफर। बात करते हैं हम लेपिडिस्ट की, तो लेपिडिस्ट होता है अ स्किल्ड पर्सन, मतलब जिसमें काफ़ी स्किल्स हैं। अ स्किल्ड पर्सन who cuts and engraves precious stones, मतलब एक ऐसा बंदा जो काफ़ी स्किल्ड है अपने काम में, जो एक precious stones होते हैं उसको कट करता है या उसको अच्छे से शेप देता है, उसको हम बोलते हैं lapidist। बात करते हैं linguist की, जो काफ़ी common word है और exam में काफ़ी पूछा जाता है। तो लिंग्विस्ट होता है अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस। अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, जिसको फॉरेन लैंग्वेजेस आती हो जाता है हमारा लिंग्विस्ट। बढ़ते हैं हम आगे, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फाइव है आपकी स्क्रीन्स पर, लॉस ऑफ मेमोरी। अगर किसी की मेमोरी लॉस हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी एमनीशिया। एमनीशिया होता है अ सिचुएशन अ स्टेट जिसमें आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। बात करते हैं हम एम्ब्रोसिया की, एम्ब्रोसिया इज़ द फूड ऑफ गॉड्स। अगर आपसे पूछा जाए फूड ऑफ गॉड्स क्या होता है तो वो होता है एम्ब्रोसिया। एमनीशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी। बात करते हैं इंसोमनिया की, जो एक काफ़ी कॉमन वर्ड है। ये होता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्लीप, दैट इज़ योर इनएबिलिटी टू स्लीप। जब आप बहुत ट्राई कर रहे हो बट आप फिर भी नहीं सो पा रहे तो उस सिचुएशन को बोलते हैं इंसोमनिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की, ईजीली ड्यूप्ड और फूल्ड। एक ऐसी चीज़ जिसको इजीली हम फूल कर सकते हैं, इजीली हम उल्लू बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी गुलिबर। गुलिबर होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको इजीली फूल किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। एक ऐसी सर्टेन कंडीशंस रखी गई हो, टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हो, जिससे हम एक प्रिजनर को जेल से रिलीज कर सकते हैं, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे। उस सिचुएशन में हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए पैरोल।
मतलब कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पे किसी प्रिजनर को रिलीज करना इज़ वॉट यू कॉल पैरोल। बात करते हैं हम यहाँ पे पार्ले की, तो पार्ले इज़ अ नेगोसिएशन। ये एक ऐसी नेगोसिएशन होती है बिटवीन टू पीपल जो एक तरीके से बिल्कुल कॉन्ट्ररी बोल रहे थे, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहे थे, उनके बीच में जब नेगोसिएशन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं पार्ले। बात करते हैं एक्यूटल की, तो एक्यूटल इज़ अ पर्सन हु इज़ फाउंड। एक्यूटल इज़ बेसिकली नॉट अ पर्सन बट एक्यूटल इज़ अ जजमेंट इन विच अ पर्सन इज फाउंड नॉट गिल्टी फॉर समथिंग ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ। मतलब एक्यूटल एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी जजमेंट होती है जिसमें एक पर्सन जिसको जिस चार्ज के अगेंस्ट एक्यूज किया गया था उस चार्ज के अगेंस्ट नॉट गिल्टी फाउंड करा जाए, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूटल। ये सारे ही वर्ड्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइटिनेरेंट। आइटिनेरेंट इज़ अ पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। और अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज करते तो एक वर्ड होता है आइटिनेरी विच इट मीन्स ट्रैवल किट। जब हम बोलते हैं ना कि लेट्स मेक एन आइटिनरी ऑफ दिस ट्रिप, तो उसका मतलब होता है एक ट्रैवल ट्रिप कि हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो ये हमारी होती है आइटिनरी जिसको हम बोलते हैं ट्रैवल किट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवियरी। एवियरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम बर्ड्स को रखते हैं। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की, कामनेस और इनडिफरेंस टू सफरिंग। कामनेस या फिर किसी भी सफरिंग में कोई भी रिएक्शन नहीं देना या काम रहना कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म होता है इनडिफरेंस टू पेन और सफरिंग। बात करते हैं हम डिस्पेयर की, डिस्पेयर का मतलब होता है होप। मटीरियलिज्म की बात करते हैं, तो मटीरियलिज्म वो सिचुएशन हो गई व्हेन पीपल एक्चुअली गिव मोर इम्पोर्टेंस टू फिजिकल कंफर्ट रादर देन दी स्पिरिचुअल वैल्यूज। मतलब कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की तरफ ना जाके जो लोग फिजिकल कंफर्ट या लग्जरी देखते हैं उसको हम मटीरियलिज्म बोलते हैं। और जो हमारा आगनी होता है वो होता है मेंटल सफरिंग। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। होप करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।